हमर नाम है फूल कुमारी देवी, राधा जीविका स्वयं सहायता समूह के सचिव है, ग्राम पोस्ट झखरा प्रखंड सारा रंजन। मदनी नूट के 3000 चूजा है, ओकर देखभाल हम ही करे छी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। कन्ने लिए भैया? हम तो अही से मिले लिए दीदी। सब ठीक छै ने भैया? हाँ दीदी सब ठीक छै। दीदी हम तो मदर यूनिट के बारे में जानकारी लेवे लिए यहाँ से, सुनलिए रहे कि यहाँ बहुत अच्छा ढंग से मदर यूनिट चलबे खातिर। मदर यूनिट के लिए बारे में जानकारी ले लिए तो सब किछ अहाँ के हम बता दे। दीदी मदर यूनिट चलावे खातिर कौन कौन सामान के जरूरी होत है? भैया मदर यूनिट के लिए घर के जरूरत पड़े छै, ओहिमे चूजा के जरूरत पड़े छै, ओहिमे दाना के जरूरत पड़े छै, पहला फ्री स्टार्टर, स्टार्टर फिनिशर सब दाना पड़े छै, दाना खिबे के लिए ओकर बर्तन के जरूरत पड़े छै। अच्छा अच्छा। दीदी अहाँ के मदर यूनिट तो हम देखिए रहिए, चूजा भी है, घर भी है, लेकिन बाकी जो सामग्री है दीदी एक एक करके सामग्री और ओकर नाम बता देती है रहे तो बहुत अच्छा रहती रहे। भैया हम सब एक एक करके बता दे छी अहाँ के। पानी के बर्तन भेले भैया, इमे पानी रखल जाय है, बीच में धेल जाय है ना, तो चूजा सब पिए है। अच्छा दीदी। आ ई छोटा वाला भेले से डब्बा दाना के भेले, इमे दाना पड़े है तो चूजा चारू बगल से दाना खाई है। अच्छा घूम घूम के घूम घूम के। हाँ ई छोटा वाला भेले, आ वैसे थोड़ा नमहर होय है ना, तो बड़ा वाला डब्बा लगे है, तो बड़ा वाला डब्बा में पड़े है, तो चारू बगल बड़ा वाला डब्बा में घूम घूम के खाए छै। एई में पानी पड़े छै, देखिए देखिए एई में पानी के डब्बा भेले। अच्छा ई बड़ा वाला पानी के डब्बा? ई बड़ा वाला पानी के डब्बा भेले। मैंने एक साथ मदर यूनिट में डाल दे छी, बहुत सारा बच्चा आयलक और आ घूम घूम के है में पानी पी ले, बीच में डाल देली आ घूम घूम के पानी पिए है। अच्छा चूजा भैया मदर यूनिट में चूजा डाले से पहने सफाई कैल जाय छै। अच्छा। सफाई क के ओहिमे चूना डालल जाय छै, सौंसे चूना डालल जाय छै, चूना डाल क तब ओहिमे कुन्नी बिछायल जाय छै। अच्छा। सौंसे कुन्नी बिछा देल जाय छै, तकर बाद ओहिमे चूजा डाले। अच्छा दीदी कुन्नी बिछाबे के जे बात कहलियै हा, तो कुन्नी केतना मोटा बिछबैत हतियै? एक इंच ऊंचा कुन्नी बिछायल जाय छै भैया। अच्छा मदर यूनिट के अंदर एक इंच मोटा कुन्नी बिछायल जाय छै। बाद भैया ओहि पर पेपर बिछायल जाय छै, आ पेपर सबसे बिछा क तब ओहि पर चूजा डालल जाय छै। भैया चूजा अयला के बाद ओकरा वजन कैल जाय छै। अच्छा। 30-40 ग्राम से जे नीचा होय छै ने चूजा, ओकरा नहि रखै छी अहाँ, आपस कर दै छियै। जखन गिनती होय छै ने तखन ओ नगरा लुल्हा जे मिलै छै, अगर आँख टाँख पड़ल भाई कमजोर बच्चा जे पड़ै छै ने, नगरा लुल्हा पड़ै छै चाहे कना हो ना बच्चा, ओकरा आपस कर दै छियै। चूजा गिरे छै ने, तकर बाद 1.5 घंटा के बाद ओकरा गुड़ आ पानी देल जाय छै, घोल कर के आ पियै ले 1.5 घंटा के बाद ओकरा 20 ग्राम के अंतर में घोल कर के ओकरा पानी पियल जाय छै, मिठा या पानी। अहाँ के कहे के मतलब छै दीदी कि जितना भी चूजा मदर यूनिट के अंदर छै, जब चूजा गिराल जाय है ओकरा 1 से 1.5 घंटा बाद पर चूजा 20 ग्राम गुड़ के घोल पियाल जाय है। हाँ हाँ भैया। हाँ भैया पानी पियाला के बाद 1 घंटा के बाद ओकरा मकई के दर्रा 24 घंटा देल जाय है। 24 घंटा तक मकई के दर्रा पड़े छै बच्चा चूजा। अच्छा दीदी एक चीज हमरा समझ में ना आ रहा है, चूजा के गुड़ पानी के घोल ही कहला पियाल जाय है? भैया चूजा के गुड़ पानी मिलला से ऊर्जा जल्दी मिल जाय छै। अच्छा गुड़ पानी देला के बाद दीदी मक्का के दर्रा ही कहला देल जाय? भैया दर्रा देल जाय छै यहे ले
जेकर पेट साफ हो जाए छे चूजा के आ पचै में आसान होय है जल्दी पच गेल ओकरा। भैया एक चूजा पर 10 ग्राम फ्री स्टार्टर एक सप्ताह तक देल जाए छे। सर प्रथम फ्री स्टार्टर एक सप्ताह तक। हाँ एक बार एक चूजा पर देल जाए छे। भैया देखियो ना एहन फ्री स्टार्टर के बोरा छै एहे पड़ै छै। पहला बार जे एक सप्ताह चलै छै दीदी यही फ्री स्टार्टर के। हाँ एहे चलै छै। एक चूजा के 20 ग्राम स्टार्टर देल जाए छै। स्टार्टर भी एक सप्ताह चलल जाए छै। भैया देखियो ना भैया एहे स्टार्टर के बोरा छै। हाँ दीदी पिछला सप्ताह से 30 ग्राम स्टार्टर देल जाए छे चूजा के प्रत्येक चूजा के दीदी। हाँ अभी एक सप्ताह तक भैया देल जाए छे। चौथा सप्ताह से भैया 50 ग्राम एक चूजा पर फिनिशर देल जाए छे। अच्छा देखियो भैया एहन फिनिशर के बोरा छे। अच्छा दीदी यह फिनिशर के बोरा छे। हाँ अच्छा दीदी ई सारा जानकारी तो अहाँ हमरा दैये रहल छियै लेकिन हमर इच्छा छै कि मदर यूनिट के अंदर जाके चूजा के खान पान रहन सहन थोड़ा देखे के और सीखे के। चलू ना भैया दिखा दै छी। अंदर जाय से पहले चूना रखल छै चूना पानी गोर में लगा लेबै तब चलबै अंदर। ठीक छै दीदी। भैया देखियो ई कुन्नी सब बिछायल जाय छै मदर यूनिट में। ठीक दीदी। तब ई दाना के बर्तन छै देखियो चारू बगल खाय छै बच्चा सब। हां हां दीदी। ई पानी के बर्तन छै देखियो चारू बगल से घूम घूम के एतै या खेतै बच्चा सब चूजा। ठीक है देखियो भैया एह छै चूजा के खाना के डब्बा छै। इमे खाना खाय छै इमे पानी दाना डाल दै छै ऊपर से तऽ ई चारू बगल से घूम घूम के दाना खाय छै। भैया देख लेलिए ना मदर यूनिट में जो दाना पानी केना केना की अच्छा है से। हाँ दीदी सब व्यवस्था ठीक है। इतना खिलाला पिलाला के बाद भैया एक टीकोकरण कल जाए छै। इतना कुछ कला के बाद टीकाकरण भी करे के पड़े छै चूजा के दीदी। हाँ भैया पहला टीका 5वां दिन रानी खेत के लगै है भैया आ दूसरा टीका 12 दिन में गैमरो के लगै है। अच्छा दीदी। भैया तीसरा टीका 18 दिन में लसोटा के लगै है। भैया 28 दिन चूजा पाले के बाद सब समूह के दीदी सब के देल जाए छै। अच्छा दीदी यहाँ के कहे के मतलब छै 28 दिन बाद मदर यूनिट से चूजा वितरण समूह के दीदी के पास कल जाए छै। हाँ भैया। अच्छा दीदी तो चूजा जब वितरण होइए मदर यूनिट पर से समूह के दीदी के एक बार में कितना चूजा देल जाइए। भैया हाँ दीदी 25-25 के 6 बार का चूजा एक दीदी के 150 का मिले है। अच्छा अहाँ के कहे के मतलब छै दीदी एक दीदी के 25-25 करके 6 बार में 150 चूजा देल जाय है। हाँ भैया। अच्छा दीदी इतना कुछ जे अहाँ करै छियै तऽ अहाँ के सेवा शुल्क में की मिले छै दीदी। 28 दिन सेवा करै छियै ना भैया तऽ एक चूजा पर 5 रुपया मिले छै। मदर यूनिट में 3000 चूजा है भैया। हाँ 3000 चूजा में हमरा 15000 रुपया मिलते सेवा शुल्क। एक मुर्गी 150 दिन बाद भैया 180 अंडा से 250 अंडा तक एक साल में दे है। अच्छा। दीदी तब तक ही समूह से जुड़ल जो गरीब दीदी हथिन उनका तो आय के बहुत अच्छा साधन है। हाँ भैया। अच्छा दीदी मदर यूनिट चलावे खातिर कोई सावधानियों बरते ला होत है। हाँ भैया बहुत सावधानी बरते के पड़े है। भैया मदर यूनिट के साफ सुथरा रखे के चाहिए। भैया मदर यूनिट के
देवाल पर चूना सप्ताह में एक बेर सौंसे छिटे के पड़े है। भैया मदर यूनिट के पास में लाइट के व्यवस्था हो के चाहिए। भैया खाना पानी के डब्बा हो छे ना, ओकरा प्रत्येक दिन साफ करे के पड़े छे। भैया टीका समय पर लगबे के चाहिए। भैया दाना लगबे के समय में ध्यान दे के चाहिए जे दाना नीचा नहीं गिरे, डब्बे में रहे। मदर यूनिट के चारों बगल जाली। अच्छा दीदी, और दीदी खातिर कोई संदेशो देवे के चाहबे? हाँ भैया, सब दीदी के अनुरोध है जे मदर यूनिट में जुड़ के सब दीदी चूजा पालन करू। गांव के गरीब दीदी सब के लिए बढ़िया आमदनी के लिए चूजा पालन करे के छे। अच्छा दीदी, मदर यूनिट के बारे में इतना सारा जानकारी दिली, एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद।